शंभू बॉर्डर से चल रहे किसानों के धरने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिता है कि एक हफ्ते के बैरीगेड खुलवाए जाए ताकि लोगों को इधर उधर जाने के लिए दिक्कत ना आए। पर उस ऑर्डर को लेकर हुण हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के पहुँच गई है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नवी पटीशन पा के कहा कि बैरीगेड जिहड़े ने हरियाणा सरकार नहीं हटाना चाहती ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो जाए। इस नूं लैके सुप्रीम कोर्ट नूं कहा गया कि इसकी जल्दी सुनवाई होवे और जो किसान ने वो शंभू बॉर्डर ही बैठे रहन दिल्ली ना जान। तुसीं भी सुनो सारे मसले पे की कुछ कहना है किसानों का। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 9 तारीख को हाई कोर्ट से आदेश जारी हुए थे कि बैरीगेड हटा दिए जाएं। आज 13 तारीख है और 5 महीने पूरे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बैरीगेशन वैसे के वैसे लगे हुए हैं। कल ही हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ने के बाद आज जो ताजा घटनाक्रम हुआ है कि लगभग 1 बजे के करीब हरियाणा सरकार ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस आदेश के खिलाफ जो हाईकोर्ट से आदेश पास हुआ था। तो हम आपको जानकारी दे देना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार के अंदर बीजेपी की नुरपुर सरकार है, वो नहीं चाहती कि रास्ते साफ हों, लेकिन हाईकोर्ट ने ये बात साफ कर दी थी कि रास्ता किसानों ने नहीं सरकार ने रोक रखा है। आप सबसे लिए एक अहम जरूरी है बात है कि पंजाब सरकार को भी उन्होंने वैसे ही पैरेलल बोला था कि आप भी रास्ता साफ कराएं, क्योंकि ये जो बैरिकेड लगे हुए हैं ये हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार के अंदर लगभग 300 मीटर अंदर आकर पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी कर रखी हैं और यहां पर अपनी हरियाणा सरकार की जो फोर्स है वो बैरिगेशन लगी हुई है। ये शंभू का जो एरिया है, शंभू बॉर्डर है और हम शंभू सीर पुल पर खड़े हैं जहां पर बैरिगेशन हुई थी, जहां पर आंसू गैस के गोले गिराए गए थे। तो हम आप सबको जानकारी ये बता देना चाहते हैं कि इस बात से स्पष्ट होता है कि चाहे पंजाब सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, ये किसानों के लिए बिल्कुल भी इनके प्रति, किसानों के प्रति इनके पास हमदर्दी नहीं है। ये नहीं चाहते कि आम जनता की आवाज संसद तक पहुंचे। पर लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं कि जैसा कि आज व्यापक रूप में चल रहा है, जो अंबानी है उनके बेटे की शादी हो रही है, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पूरे महाराष्ट्र के रूट बंद कर दिए गए, होम टू वर्क चल रहा है सभी तरह से। आपने देखा जब इंडिया की क्रिकेट टीम आई तब वहां पर रूट बंद कर दिए गए, तब किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। चलो ये अपना अपना चित्त है, लेकिन एक बड़े व्यापारी के लिए, देश का एक बड़ा व्यापारी जिसने सभी वर्गों को लूटा, उस लूट को दिखाया जा रहा है। लेकिन किसान बॉर्डरों पर पिछले 5 महीने से बैठे हैं, आज 5 महीने पूरे हो चुके हैं, उनको नहीं दिखाया जा रहा है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपने हमारी आवाज बनना है। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल भी बोला था कि किसान अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और अपना जो सरकार ने परिचय दिया है वो उससे आप अवगत हो चुके हैं। आप हमारी आवाज ऐसे ही बनते रहें और हमारे साथ डटे रहें, क्योंकि किसान पूरे देश के लिए MSP कर्जा मुक्ति और मनरेगा मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।